नमस्कार, बेगूसराय टुडे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। बेगूसराय के बछवारा प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय हरिपुर रुदौली कादराबाद जैसे प्रवासी मजदूरों को रहने के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जिसमें लगभग 73 प्रवासी मजदूर ठहरे हैं जो कि देश के विभिन्न प्रांतों से आए हुए हैं। लेकिन यहाँ ठहरे हुए मजदूरों का ये कहना है कि उन्हें भोजन पानी से लेकर के शौचालय तक की कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे आक्रोशित होकर ये मजदूर लोग शनिवार की सुबह बछवारा के कादराबाद पथ को जाम कर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे गांव के लोगों में काफी दहशत का माहौल बन चुका है। वहीं प्रदर्शन कर रहे मजदूरों का क्या कहना है आप खुद ही देख लीजिए। आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे के लिए प्रभात कुमार की रिपोर्ट। अभी अभी तक आप लोगों को खाना मिला या नहीं मिला? नहीं मिला, अभी तक चाय तक नहीं मिला है, पानी तक की व्यवस्था नहीं किया गया है। कोई डॉक्टर आया है अभी तक? कोई पदाधिकारी आया देखने को? कोई पदाधिकारी नहीं आया। कोई पदाधिकारी नहीं? आपका नाम क्या है? विपिन कुमार। विपिन कुमार, ठीक। आपको मेनू के हिसाब से खाना मिल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा है खाना मेनू के हिसाब से? बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिला। सवेरे चाय मिला था, चाय नाश्ता कुछ भी? बिल्कुल चाय नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी। नाम क्या है? नाम संतोष। संतोष, मराठी के रहने वाला। अच्छा, रात में आपको खाना मिला था? सारे 12 बजे, वो भी कच्चा था पूरी, और सब सब्जी नहीं खाने वाला था, वो सब्जी मिला था ताकि और मर जाएगा, जो कि हम लोग बाहर से आए हैं, एक तो भूखे प्यासे हैं, 24 घंटा पुरने वाला। सरकार की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम लोग को चेक करके घर भेज दिया जाए, न तो हम लोग अब तो रोड पर हैं, कहाँ है पता नहीं है। क्या क्या नाम क्या है? मेरा नाम संजन कुमार चमथा के रहने वाले हूँ। ठीक।